बात कही हमने तो खंजर निकल आए, हर बात कही हमने तो खंजर निकल आए, हर मोड़ पर एहसास के मंजर निकल आए, अरे प्यासों का बयां सुन के समंदर निकल आए, सुनिए अरे प्यासों का बयां, अरे सुन के समंदर निकल आए, अरे ये सुनते हैं ऐ मौत तुम मगरूर बहुत थी, अच्छा हुआ मैदानों में असवर निकल आए, अरे सुनते हैं तुम मगरूर बहुत थी, अरे अच्छा हुआ अरे मैदानों में असगर निकल आए, अब शेर पेश कर रहा हूँ अपने हवाले से, भाई कभी ना सुना होगा तुमने, तो जो चाहूंगा ऐ मौत ये सुनते हैं तुम मगरूर बहुत थी, अच्छा हुआ अरे मैदानों में असगर निकल आए, और नस्लों का पता वक्त है अरे तेरे असदुल्ला, हम नस्ल के अच्छे थे जो बच कर क्या बात है, खुशबूएं बताती हैं, ये पीछे वाले हजरात बदत आजू है, आज नमाज मुबद्दत पे हाथ बांध के पढ़ रहे हैं आप लोग, ये ताकि धोती का हाथ छोड़ के हाथ बांध के खुद ही पढ़ रहे हैं, जरा हाथ भी बच्चे छोड़िए और जरा थोड़ा ये मुलाजा फरमाए कि नूर आना इस मत अरे खुशबूएं बताती है कि सैयदा मेरे घर में अरे बार बार अरे खुशबूएं बताती हैं कि सैयदा मेरे घर में अरे बार बार आती है, आखिरी मन बता रहे के बार बार है, बस सुनिए खातों से के बार बार आती है, और हमने ये सैयदा मेरे घर में अरे बार बार आती है, और हमने ये हदीसों में अरे पढ़ के देखा है कैसे कायनात रब की और सैयदा चलाती है, हर कायनात जैसे जैसे हुक्म हो रहा है सारे लोग में के कायनात रब की है और सैयदा चलाती है, और चांद से मुलाजा फरमा लीजिए खास तौर से कि मंजिले सदा का
सदापते का अरे रास्ता अब तालबा मंजिले सदापते का अरे रास्ता अब तालबा अरे बेवफा ये दुनिया है और बावफा अब और दोनों समझियों की है अरे अपनी अपनी एक पहचान अरे मुस्तफा मदीना तो कर अरे मुस्तफा मदीना है पहली बार देखा है साहब जो मैं फिर सद में इतना हौसला बखने वाले मुलाज फरमाइए के मंजिले सदापते का अरे रास्ता वो तालब बेवफा ये दुनिया है और दोनों संगतियों की है अरे अपनी अपनी एक पहचान के मुस्तफा मदीना है और करबला वो तालबा मुस्तफा मदीना है अरे करबला वो अरे की है इसलिए अपने अरे खिलकते अब तालबा के मुस्तफा के काम आए नुसरते अब तालबा और नाते मुस्तफा अरे क्योंकि नात पढ़ना है और नाते थे मुस्तफा पढ़ना अरे छोड़ दो मुसलमानों अरे क्योंकि नात पढ़ना है अरे सुन्नते अब तालबा और ये शेर पेश कर रहा हूँ मुलायदा फरमाइए तब जुड़ कर खास तौर से और देखिए कि पूरे सबूत के तौर पर मुलायदा फरमाइए क्योंकि नात पढ़ना है अरे सुन्नते अब तालबा अरे सुन्नते अब तालबा और मुस्त तब जो चाहूंगा अके जुल्फे पारे हैदर तो अरे नस्ले ढूंढ लेती है अरे नस ने ढूंढ ले दिया
नहीं समझे, अरे लिया दे क्या नबी नहीं समझे। आखिरी वक्त में दुआ मिलना बड़े कमाल की बात है के मुस्तफा में क्या के खुदा की कसम लाइटे मुबारकबाद है अल्लाह की कसम महफिल में वो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बड़े बड़े शहरों में एक हफ्ते से कोई महफिल नहीं हो रही है। बड़े बड़े जो तोपे बनती थी उनके पसीने आ गए महफिल करने के लिए और बड़ी बड़ी महफिलें हिंदुस्तान की आइंदा साल के लिए मुलतवी कर दी गई। मगर मैं मौली वालों को सलाम करता हूँ कि महफिल नहीं की बल्कि एक कामयाब महफिल कर रहे हैं और बेखौफ होकर महफिल कर रहे हैं। इससे ये सबूत देते हैं कि हम जिक्र अहले बैत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बस इसी तरीके सोचते रहिए कि एक शायर और है ये महफिल तारीख लिख रही है हिंदुस्तान की कि पूरे हिंदुस्तान में महफिलें बंद है, यहाँ पर महफिल शुरू है, पूरी दुनिया देख ले कि कैसे उत्तर प्रदेश में दिवाली में महफिल हो रही है। फरमाइशें तो बहुत है मगर ज्यादा नहीं, वो इतना कि फरमाइशें सोचता हूँ थोड़े वक्त में पूरी हो जाए और अच्छी बात है। फरमाइश ही फरमाइश भी होती है। बस मुलाहिज़ा फरमाइए तो चलूंगा। मुलाहिज़ा फरमाइए हर मुसलमान को हर मुसलमान को जन्नत की तलबगारी है। शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी है, कोई तैयारी है पहुंची बात तो मैं कुछ भी द्वारा पढ़ देता हूँ। शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी है, ऐसी पढ़ूंगा दूसरा मिसरा। शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी है, ये कभी सोचा है किसकी वहां सरदार है। शेख जी शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी है, ये कभी सोचा है अरे किसकी वहां सरदारी है। सरदारी है जितने फतवों से भरी ये तेरी अलमारी है, जितने फतवों से अरे जितने फतवों से भरी ये तेरी अलमारी है, इनको काफी मेरे एक आंसू की चिंगारी है। ये कभी सोचा है किसकी वह सरदारी है, ये सरदारी है हर जितने फतवों से भरी ये तेरी अलमारी है, अलमारी है। ये कभी सोचा है हर किसकी वह सरदारी है, सरदारी है। जंग से भागना अरे कुछ लोगों की बीमारी है,
बीमारी है। अच्छे तब जो चमका मुमरा दीजिए। अरे जंग से भागना, अरे कुछ लोगों की बीमारी है, बीमारी है। और घर में कातिल के जो ज़ैनब ने किया है मातम, अरे घर में कातिल के अरे जो ज़ैनब ने किया है मातम। नानी शब्बीर पापा ये पहली आजादारी है, नाम शब्बीर पा ये पहली आजादारी है, आजादारी है। नाम शब्बीर पा ये पहली आजादारी है, आजादारी है। घर में कातिल के जो ज़ैनब ने किया है मातम, नाम शब्बीर पा ये पहली आजादारी है। पहली आजादारी है, आजादारी है। और जो कहा करता है शब्बीर के गम को भी दिया आखिरी मजबूत, अरे जो कहा मकारी है यही बीमारी है, या वो धोखे में है या उसकी ये। बहुत अच्छी बात है, जिसमें नहीं बात करनी है। या वो धोखे में है या उसकी ये मकारी है, मकारी है। और बहते पानी पा बनाया है वफाओं का महल, पानी पा बनाया है फफाओं का महल। अब तालिब तेरे पोते की ये फन शेरवा भाई या वो धोखे में है, सुनिए मकारी है, मकारी है। अब तालिब तेरे थिए बहते पानी पा बनाया है फफाओं का महल, अब तालिब तेरे पोते की ये फनकारी है। और मुझको आपास के दरबार का खादिम समझो, मुझको ये मत कहो महबूब तू अंसारी। मुझको आपास के दरबार का खादिम समझो, मुझको ये मत कहो महबूब तू अनुसारी है, मैंने हर हाल पलकों को बिछा रखा आमद हजरत अब्बास की तैयारी। यहाँ
हमारा गम नहीं बदला खुशी नहीं बदली हमारा गम नहीं बदला खुशी नहीं बदली जबान कट गई मदहे अली नहीं बदली जबान कट गई अरे मदहे अली नहीं बदली जबान कट गई मदहे अली नहीं बदली वहां से हुर को निकाला है मेरे मौला ने जहां के लोगों की किस्मत का है वहां से हुर को निकाला है मेरे मौला ने जहां के लोगों की किस्मत कभी नहीं बदले और कभी आहद कभी खैबर में पड़ रहे हैं रसूल जगह बदल गई नादे बदल गई नादे अली नहीं बदली रसूल जगह बदल गई नादे अली नहीं बदल गई नादे अली नहीं बदली जगह बदल गई नादे अली नहीं बदली। इससे पहले बड़े बड़े अशआर भी पढ़े गए और खैबर के हवाले से ही पढ़ा और जनाब ज़ाहिद भाई बहुत शेर पढ़े थे कि साहब ये सवाल चल रहा था कि शाह अली को आलम दे दिया हमें क्यों नहीं दिया सब जाविये पेश कर दिए मगर मैं सोच रहा चार मिसरे में कुछ कह दूँ मुलाहिज़ा फरमाइए कि क्यों न दिए मसला ये है क्यों अभी क्यों की बात समझ नहीं आई है कि क्यों नहीं दिया है वजह अपने वजह सबूत पेश किए कि यूं नहीं मगर शेर मुलाहिज़ा फरमाइए तवज्जो चाहूँगा अरे जो चार तवज्जो चाहूँगा जो चार गरीबा है कभी सिल नहीं सकता जो चाक गरीबा है कभी सिल नहीं सकता मुरझाया हुआ फूल कभी अरे मुरझाया हुआ अरे फूल कभी खिल नहीं सकता कभी खिल नहीं सकता हमने तो खंजर निकला है मिश्रा भी बड़ा अजीब था मगर ये हमने तो कभी कभी महफिलों में इसलिए महफिलों में कई कई पार्टी हुई थी दो पार्टी तो होती है एक तो वो जो दाद देती है और एक वो जो दाद देते हैं वो देखती है कैसे दाद दे रहा है कैसे भी होते हैं तो माशाल्लाह मगर सवाब में वो भी शामिल ना मिले ऐसी कोई बात नहीं है हम मुलायदा फरमाई बच्चन शेर पे गुआ कि हर मोड़ पा एहसास के मंजर निकल आए हक बात कही हमने तो खंजर निकल आए हक बात कही हमने तो खंजर निकल आए हर मोड़ पा एहसास के मंजर निकल आए अरे प्यासों का
का बाया सुन के समंदर निकला है। सुनिए अरे प्यासा का बाया अरे सुन के समंदर निकला है। अरे ये सुनते हैं ऐ मौत तुम गुरूर बहुत थी, अच्छा हुआ मैदानों में असवर निकला। अरे सुनते हैं तुम गुरूर बहुत थी, अरे अच्छा हुआ अरे मैदानों में असगर निकला है। अब शेर पेश कर रहा हूँ अपने हवाले से, भाई कभी ना सुनाऊंगा तुमने तो जो चाहूंगा। ऐ मौत ये सुनते हैं तुम गुरूर बहुत थी, अच्छा हुआ अरे मैदानों में असगर निकला है। और नस्लों का पता वक्त है अरे तेरे असदुल्ला, हम नस्ल के अच्छे थे जो बच कर। हम नस्ल के अच्छे थे जो बच कर निकले, बच कर निकले। हम नस्ल के आज दो शेर पेश कर रहा हूँ मैं, दो शेर बड़ी मेरे सारे शेर पड़े हैं भाई मोहब्बत के बाद। अच्छा हुआ अरे मैदानों में असगर निकला है, अरे नस्लों का पता रखती है देव रसगुल्ला। हम नस्ल के अच्छे थे जो बच कर निकला है, अरे बच कर निकला है। तवज्जो चाहूंगा दोनों शेरों पर बोला जाके जी, अरे बच कर निकला है। और ले जाओ तो खबर आके जरा साकी ने गैबत कुछ आदमी औकात से बाहर। हुआ मैदान में असगर निकले, खबर आके जरा अरे साकी ने बता अरे पूछा दुनिया आते से बाहर निकले। अब तागी के पसे मंजर से जी शेर के लिए सारे शेर सुनाए हैं भाई, मुलायदा फरमा लीजिए आखिरी शेर, उसके बाद मक्ते का शेर होंगे आखिरी मजमू तक भैया आखिरी दो शेर मक्ते समेत मुलायदा फरमा लीजिए। अच्छा वो तारीख भी सबकी नजर में अहले इल्म का मजमा है, यहाँ तो तशरीह गंजी की जरूरत है ही नहीं, यहाँ किसी को पढ़ाए नहीं जाते, तो उल्टा हमें पढ़ा देंगे भाई माशाल्लाह। यहाँ के बच्चों में जो इल्म हुआ करता है, जब बलों में हुआ करता, इसलिए मैं अर्ज करता हूँ तब तो चाहूंगा। अच्छा हुआ मैदानों में असगर निकले, हम नस्ल के अच्छे थे जो बच कर आए, बच कर निकले। अरे बच कर निकले, और उस शख्स को भी मान लिया आपने मोमिन। अरे वो शख्स को मान लिया आपने मोमिन, अरे जिस शख्स की माँ के कई शोहर ने जितने भी शेर सुने हैं और सुनाते रहते हैं ये होगा कि खून में अगर हरा था पाक खून है तो वाली की मोहब्बत, ये होता कि माँ की कमी या एक की बात ना करें। अच्छा हुआ मैदान में असगर निकले, असगर निकले, अरे असगर निकले, असगर निकले। और हिजरत में था ये सबसे बड़ा कारे इमामत नहीं था, अरे हिजरत में था ये सबसे बड़ा के कारे इमामत के कुफार के नरगे से पैगंबर निकला। अरे कुफार के नरगे से पैगंबर निकला है, और मालिक की तो औलाद भी कहलाती है मालिक, अस्हाबे नबी आल के नौकर निकला, नौकर निकला है। और उन शख्स को मान लिया
अरे जिस शख्स की माँ के कई शोहर निकल आए, अरे शोहर निकल आए, और मेरे सामने सरेदार ये बतला दिया महबूबा, अरे मेरे सामने सरेदार ये बतला दिया महबूब, हक बात कही हमने तो खंजर निकला। भाई बोला सारी साहब, बगैर किसी तमहीद के।